पार्वती ने सोची हाया बका कर लाभ है। पार्वती बोली क्यों नहीं, तुम्हारे घर पर आ गए इसलिए देख लेने दो, देख रहा होता तो कैलाश पर्वत पे नहीं आती, वही प्याना तब देख रही दूंगी। शंकर जी का हाथ पकड़ा, पार्वती जी अंतर पहुंची। अब पार्वती तो महाराज देखने लगी, लेकिन भोले बाबा महाराज नहीं देख पा रही। जैसे ही भोले बाबा महाराज देखने के लिए घूंघट ऊपर करता है, सोई पार्वती द्रौपदी नीचे रख ले, कल कोई देख लिए। अब शंकर जी बड़े बड़े ओ माफ करे भैया, जा चुकल जैसी दशा तब नाय हती, आज कल के तो लम्बो घूंघट मार ले तो डेरा जैसी आंखें तू तो चमकाती रहती। तब मोटे मोटे वस्त्र रहे शंकर जी बड़े परेशान। भोले बाबा की एक नजर भगवान कन्हैया के ऊपर पड़ी। वो जैसे ही भोले बाबा ने भगवान कन्हैया को गोपिन के संग में नाचो तो बहुत ही को तुम्हारा घूंघट मारो बैठ गए। एक बार सोची बारे करिया तो वे बड़े गुण बारे कैसे ना तेरा कैसे ना तेरा। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि गोपी हंस के पीछे पागल हो गई। सोचा भोले बाबा ने, करिया करिया मोहन सखिया मोहे करे करे मोहन सखिया मोहे Thank you.